बच्चों आज हम सीखेंगे अपने व्हाट्सएप को सिस्टम में कैसे लिंक करते हैं, आज हमारे सर हमको बताएंगे आर्किटेक्ट। तो अगर आप व्हाट्सएप ऑन करना चाहते हो अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में, तो सिंपल टास्क है, किसी भी आप वेब ब्राउजर का यूज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद व्हाट्सएप वेब, व्हाट्सएप वेब लिखने के बाद ये पहली वेबसाइट खुलेगी, इस पर आप क्लिक करते हो। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, पीसी के लिए। और यहाँ पे बारकोड, बारकोड स्कैन करना है अपने मोबाइल से। तो मोबाइल ओपन करा, मोबाइल ओपन करने के बाद व्हाट्सएप वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर तीन डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, लिंक डिवाइस पे क्लिक करेंगे। जैसे लिंक डिवाइस पे क्लिक करेंगे आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन करने के लिए बोलेगा। मैं यहाँ से वाईफाई ऑन कर देता हूँ अपना। वाईफाई ऑन करने के बाद अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, किस पे, लिंक डिवाइस पे, लिंक डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा स्कैन करने का। जैसे मैं इसको स्कैन करूँगा हमारा व्हाट्सएप इसमें आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि अपने मोबाइल से कंप्यूटर में कैसे हमने व्हाट्सएप चलाना है, जैसे कि आप देख सकते हो। और लॉगआउट करना यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली लॉगआउट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से लॉगआउट भी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी।